तो दोस्तों मैं हूं अभी पुरी में और इस जगह को कहा जाता है स्वर्ग द्वार। और आप लोग वो जो चैतन्य महाप्रभु का मूर्ति देख रहे हो बिल्कुल उनका सामने ही है बड़ा सा एक बीच और बहुत ही सुंदर बड़ा मार्केट, जिसका व्लॉग मैं बहुत ही जल्द डालने भी वाला हूँ। तो अभी बढ़ते हैं मेन टॉपिक की। और अगर आप लोग यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो यहाँ पर सबसे बढ़िया होटल कौन सा रहेगा, तो बिल्कुल बीच से बिल्कुल 50 मीटर जैसा सामने ही होगा आई गेस। और यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादातर शॉप्स का फैसिलिटीज भी मिल जाएगा, स्वीट शॉप, क्लोथ शॉप, मेडिकल शॉप, वाइन शॉप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप लोग समझ ही सकते हो कितना प्रॉपर जगह पर है ये होटल और बीच से कितना सामने भी है। तो ये है वो होटल जिसका नाम है होटल जुपिटर। अभी हम लोग अंदर जाएंगे और मैनेजर से बात करेंगे और आप लोगों को फुल वीडियो के थ्रू सब रूम से लेके फुल डिटेल्स आप लोगों को शेयर भी करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर न्यू वीडियो। तो मैं आ चुका हूँ होटल जुपिटर के अंदर। अभी आप लोगों को मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, यहाँ का प्राइस कैसा है, यहाँ पर रूम्स कैसा है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर आप लोग पूरी आते हो तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप लोग यहाँ पर कोई दूसरा होटल में अगर चले जाते हो तो आप लोग को शायद रूम मिल जाएगा, बट ऐसा आप लोगों को कहीं और नहीं मिलने वाला जैसा मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो को जरूर देखना। होटल में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है ये गणपति बप्पा का ये मूर्ति, जो कि बिल्कुल ही होटल के अंदर आने का साथ साथ ही आप लोगों को पहले दर्शन हो जाएगा ये गणपति बप्पा का मूर्ति। और यहाँ पर बैठने के लिए कई सारा सोफा यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर ऑफ टाइम में आप लोग बैठ के यहाँ पर आप लोग पूरा मार्केट का मजा ले सकते हो, यहाँ से पूरा मार्केट को देख सकते हो। यहाँ पर हजारों लोग आते हैं घूमने और यहाँ पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा होटल में स्टे करें। तो मैं आप लोगों को कहूँगा आप लोग आके स्टे कर सकते हो होटल जुपिटर में, जो कि बिल्कुल पूरी का एकदम स्वर्ग द्वार एरिया का सबसे प्रॉपर जगह में है और बिल्कुल बजट फ्रेंडली भी है। आप लोगों को मैं फुल दिखाने वाला हूँ, फुल्ली फर्निश्ड रूम भी है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। तो मैं हूँ अभी होटल का रिसेप्शन में और आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ पर रिसेप्शन में आप लोगों को क्या क्या सर्विस मिलने वाला है और यहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग एक चीज़ देख सकते हो, आप लोग ऑफ टाइम में बैठ के यहाँ पर मैगजीन्स न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो। यहाँ पर बिल्कुल सामने सोफ़ा भी है, आप लोग यहाँ पर बैठ के आराम से यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। और यहाँ पर चारों ओर आपको प्रभु जी का दर्शन मिल जाएगा, जो कि अगर आप लोग किसी भी काम के लिए बाहर निकलते हो तो आपको सबसे पहले प्रभु जी का दर्शन करना होगा। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बात है इस होटल में। तो आप लोग को यहाँ पर जूस का मशीन भी मिल जाएगा, आप लोग यहाँ से रेफ्रिजरेटर है, आप लोग यहाँ से जूस भी खरीद सकते हो। और अंदर रेस्टोरेंट भी है, मैं आप लोगों को वो बाद में दिखाऊंगा। सो अभी हम लोग यहाँ का मैनेजर से पूछने वाले हैं कि यहाँ पर जो रूम का स्टार्टिंग प्राइस है वो कितना से है, एसी नॉन एसी दोनों के बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं। हेलो, हमारा नॉन एसी रूम है 1800 to 2000 रुपीज़, एसी रूम है 2000 to 2500। इस होटल में आपको काफी सारा फैसिलिटीज मिलने वाला है, तो मैनेजर से एक बार सुन लेते हैं। हम आपको फ्रीजर का फैसिलिटी है, रेस्टोरेंट फैसिलिटी है, वाईफाई फैसिलिटी है, रिसेप्शन है, टीवी है, आपको ठंडा पानी मिलेगा, वाटर आरओ का पानी, फिल्टर पानी मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारा फैसिलिटी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, जो कि मेरे को जितना लगता है कि बाकी सब होटल इतना फैसिलिटी आप लोगों को नहीं देगा, वो भी इतना बजट फ्रेंडली डील में। तो अभी हम लोग एक कस्टमर रिव्यू लेने वाले हैं कि यहाँ पर उन लोगों को कैसा लग रहा है। लोग ये गेस्ट से अभी पूछ लेते कि इन लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पर आके। माइक और उनका जो शिक्षण जो स्टाफ है सबका बहुत अच्छा है और बहुत हेल्पफुल है। हम लोग आने के बाद हमारे साथ हमारा तबीयत बहुत खराब हो गई थी बाहर का खाना खा के, फिर हमने उनको बोला, रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बहुत हमको किया। ओवरऑल बहुत अच्छा है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। होटल के साथ साथ होटल का सबका बिहेवियर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, रिसेप्शन में सर्विस भी अवेलेबल है, उन लोगों का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, हेल्पफुल भी है, स्टाफ भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, इस होटल में एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर आप लोग खाना वाना खा सकते हो, यहाँ पर रूम सर्विस भी अवेलेबल है। यही है वो होटल का रेस्टोरेंट जहाँ पर खाना का प्राइस तो मुझे अभी तक कम मालूम नहीं है, यहाँ पर खाने का प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है।
और आप लोगों को कोई दिक्कत का बात ही नहीं है क्योंकि रूम सर्विस अवेलेबल है। देखिए यहाँ से आप लोगों का रूम का जाने का रास्ता है और यहाँ पर आप लोगों का रेस्टोरेंट भी है और यहाँ पर देखिए किचन भी है। बहुत हाइजीन है और बहुत ही साफ सुथरा से यहाँ पर खाना बनाया जाता है। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ रूम्स दिखाने वाला हूँ। मैं पहले कह दे रहा हूँ यहाँ पर सीजन ऑफ सीजन दोनों में प्राइस यहाँ पर अप डाउन होता है, तो एक बार आप लोग होटल से कांटेक्ट करके तभी आइएगा। अगर आप लोग मेरा नाम बोलते हो तो शायद थोड़ा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा क्योंकि तुम्हारा भाई फेमस हो रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बढ़ते हैं रूम की ओर और आप लोगों को फुल रूम दिखाते भी है। सो ये रहा रूम और आप लोग देख सकते हो फुल रूम बिल्कुल फर्निश्ड है और बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन भी है। आप लोग दोस्तों रूम का कंडीशन भी देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा है और यहाँ पर देख सकते हो फुल्ली फर्निश्ड, फॉल सीलिंग लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, बहुत बढ़िया सा एक एलसीडी टीवी भी है, बड़ा साइज मिरर है, सोफ़ा है, टेबल है, पानी के लिए बॉटल है और सामने एक बैल्कोनी भी है। बट बैल्कोनी से उतना अच्छा व्यू नहीं आता है जो सच बात है। और बाकी आप लोगों को यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सूरज का धूप भी आता है, आप लोग यहाँ पर धूप भी सेक सकते हो और बीच से बहुत ही सामने है ये होटल और देख सकते हो बहुत ही लाजवाब होटल है और यहाँ का रूम का कंडीशन भी बिल्कुल 5 स्टार से कम नहीं है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को टॉवल भी प्रोवाइड कर दिया जाता है और यहाँ पर एक टीवी भी है, बड़ा साइज मिरर है और बाथरूम का कंडीशन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर बाथरूम भी बहुत साफ सुथरा है। आइए आप लोगों को मैं बाथरूम भी पहले दिखा लेता हूँ। ये रहा, यहाँ पर एक बेसिन भी है और यहाँ पर एक टॉयलेट भी है। आप लोगों को यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप लोग यहाँ पर बैठ के बिंदा से हक भी सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। फ्लैश सिस्टम भी है, पानी भी अच्छी तरह से आता है, गीज़र भी है साथ में, आप लोग देख सकते हो गीज़र भी है। तो शावर फैसिलिटी भी है, कोई भी दिक्कत का बात यहाँ पर नहीं है। तो यही था होटल और होटल का रूम और कुछ सर्विस। और आप लोग अगर यहाँ आके मेरा नाम बोलते हो तो थोड़ा बहुत आप लोग को डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैं कुछ ही दिन में और भी वीडियो छोड़ने वाला हूँ तो सब्सक्राइब कर लेना।